हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कटेरी एक प्रकार का जंगली व कांटेदार पौधा होता है जो झाड़ी के रूप में जमीन पर चारों ओर 1 फुट से 4 फुट में फैली होती है। कटेरी चमकीले हरे रंग के होते हैं और इस पर पीले रंग के 1.5 इंच लंबे या इससे कुछ छोटे कांटे होते हैं। इसके पत्ते 4 से 6 इंच लंबे, कटे फटे एवं किनारे सफ़ेद धारीदार होते हैं जिसके नीचे कांटे होते हैं। पत्ते के बीच की सिरा सफ़ेद रंग की होती है। इसे फूल नीले या बैंगनी रंग के, पुंकेसर पीले रंग के होते हैं। इसका फल गोल और हरे रंग के सफ़ेद धारीदार होते हैं। इसके फल पकने पर पीले रंग के हो जाते हैं। कटेरी की 2 जातियाँ होती हैं, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी। बसंत के मौसम में कटेरी में फूल आते हैं और बरसात के मौसम में इसमें गोल गोल फल लगते हैं। सर्दी के मौसम में ये फल पक जाते हैं। कटेरी के पौधे दिसंबर जनवरी में जाकर सूख जाते हैं। कांटे से भरे होने की वजह से कटेरी को कोई जल्दी नहीं छूता। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको कटेरी के कुछ ऐसे औषधीय फायदों के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे, साथ ही आप इनके फायदों की मदद से अपने शरीर के काफ़ी सारे रोगों को दूर कर सकेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, कटेरी के फायदे दांतों के संग भी हैं और इस पौधे की मदद से दांतों के दर्द को दूर किया जा सकता है। दांतों में दर्द की समस्या किसी को भी हो सकती है। दांत में दर्द होने पर दवाई का सेवन करने की जगह बस कटेरी की जड़, छाल, पत्ते और फल को पानी में उबालें और इस पानी से कुल्ला करें। दांतों के दर्द से आपको राहत मिल जाएगी। बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए कटेरी के काफ़ी सारे फायदे होते हैं और इसका लेप बालों पर लगाने से बालों को मजबूती मिलती है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के बाल खूब झड़ते हैं उन लोगों को भी कटेरी का लेप बालों पर लगाना चाहिए। इसका लेप बालों पर लगाने से बाल गिरना बंद हो जाते हैं। गंजापन होने पर कटेरी का लेप बालों पर लगाएं। ये लेप बालों पर लगाने से नए बाल उग जाएंगे और गंजापन दूर हो जाएगा। लेप तैयार करने के लिए आपको श्वेतकंठकारी या कटेरी की जरूरत पड़ेगी। श्वेतकंठकारी के फल का रस निकालें और इसमें शहद मिलाकर इसे बालों पर लगाएं। ये रस सिर पर लगाने से नए बाल उगने लग जाते हैं। इस रस को आप हफ्ते में 3 बार अपने बालों पर लगाएं। रूसी होने पर अपने बालों पर श्वेतकंठकारी के पत्तों का लेप लगा लें। इस लेप को अच्छे से सूखने दें और जब यह सूख जाए तो बालों को धो लें। श्वेतकंठकारी के पत्तों का लेप बालों पर लगाने से रूसी खत्म हो जाती है। आँखों के रोगों को दूर करने में कटेरी का पौधा लाभदायक साबित होता है और इस पौधे की मदद से आँखों से जुड़ी कई रोगों को सही किया जा सकता है। कटेरी के पत्तों के रस को आँखों में डालने से आँखों की दर्द सही हो जाता है। वहीं रतौंधी और आँखें लाल होना, इसके पत्तों का लेप लगा लें। इस लेप को एक पट्टी पर लगा लें और इस पट्टी को आँखों पर रख लें। 15 मिनट तक ये पट्टी आँखों पर ही रखी रहने दें। ये उपचार करने से आँखों का लालपन सही हो जाता है। नजला, जुकाम व बुखार से पीड़ित रोगी को पित्त पापड़, गिलोय और
छोटी कटेरी को बराबर मात्रा में लेकर आधा किलो पानी में उबालकर काढ़ा बनाना चाहिए। जब काढ़ा पकते पकते एक चौथाई रह जाए तो इसे छानकर पीना चाहिए। इससे सर्दी जुखाम व मौसम परिवर्तन होने से होने वाले रोग ठीक होते हैं। कटेरी का काढ़ा होने वाले रोग ठीक होते हैं। कटेरी का काढ़ा बनाकर और इसमें मिश्री मिलाकर पीने से पुराना जुखाम ठीक होता है। कटेरी के फल के बीजों को छाछ व नमक के साथ उबालकर सुखा लें और फिर इसे रात भर छाछ में डुबोकर दिन में सुखा लें। इस तरह क्रिया को 4 से 5 दिन तक करें और फिर बीज को घी में तलकर खाएं। इससे पेट के सभी रोग दूर होते हैं। कटेरी गोखरू और लाल धान के चावल को मिलाकर काढ़ा बना लें। यह काढ़ा थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में 3 से 4 बार सेवन करने से सिर का दर्द ठीक होता है। इसका प्रयोग बुखार में उत्पन्न पसलियों का दर्द आदि को दूर करने के लिए भी किया जाता है। अगर दाढ़ में तेज दर्द हो रहा हो तो कटेरी के बीजों को जलाकर उसका धुआं लें। इससे दर्द में तुरंत आराम मिलता है। कटेरी की जड़, पत्ते व फल को मिलाकर काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से दांतों का दर्द ठीक होता है। छोटी कटेरी या भूमि कदम्ब का काढ़ा बनाकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम कुल्ला करने से दांतों में लग रहे कीड़े भी खत्म हो जाते हैं। छोटी बड़ी कटेरी जड़, अनार का बकला मतलब की छाल और मौलश्री की छाल को पीसकर स्तनों पर लेप करने से स्तन कठोर होते हैं। कटोरी गिलोय, सौंठ, भारंगी। छोटी कटेरी के फल को कूट कर पीस कर पानी में मिलाकर रखें और इसमें रुई को भिगोकर घाव पर रखें। इससे रोगी का दर्द व जख्म जल्दी ठीक होता है। बड़ी कटेरी के पत्तों का रस त्वचा के रोगों पर लगाने से लाभ होता है। छोटी कटेरी के फल का रस निकालकर मिर्गी के रोगी को सुंघाने से मिर्गी का दौरा खत्म होता है। बड़ी कटेरी की 25 ग्राम ताजी जड़ की छाल को गाय के दूध में उबालकर पीने से नपुंसकता दूर होती है। ध्यान रहे, खटाई और बादी युक्त चीजों का सेवन ना करें। कटेरी को आग में जलाकर इसके धुएं को कान में लेने से कान के कीड़े समाप्त होते हैं। कटेरी को पानी के साथ उबालकर काढ़ा बना लें और यह काढ़ा 10 मिलीलीटर की मात्रा में सुबह शाम जिगर रोग से पीड़ित रोगी को पिलाएं। इससे जिगर के रोग ठीक होते हैं। कटेरी के रस को शहद में मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम पीने से पथरी गलकर निकल जाती है। इसके प्रयोग से रुक रुक कर आने वाला पेशाब खुलकर आने लगता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कटेरी के अनेकों फायदे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।